माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड प्रायुक्त करता है करोड़ों उपभोक्ताओं के काम आने वाला एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट। जानिए क्या है ऐसा। ये है मिस्टर कमजोर। इन्हें हमेशा सांस की तकलीफ और थकान की शिकायत रहती है। इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये है मिसेस कमजोर। इन्हें भी थोड़ा सा काम करके थकान होती है। इनकी त्वचा सूखी और निर्जीव दिखती है। और ये हैं हमारे छोटे कमजोर। इन्हें भी स्कूल से आने के बाद थकान की शिकायत रहती है। इनका खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता। सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, पर क्या सभी समस्याओं का कारण एक ही है? जी हां, रक्त यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना। हीमोग्लोबिन में बीच में आयरन होता है और ग्लोबुलिन नामक पदार्थ आयरन को चारों तरफ से घेरे रहता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को ग्राम प्रति 100 ml में मापा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर अनीमिया नामक स्थिति पैदा होती है। रक्त यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन और RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स की कमी होने से एनीमिया होता है। वैसे तो एनीमिया 400 प्रकार के होते हैं, पर उसका मुख्य कारण है रक्त में RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होना। खाने में जब आयरन की कमी या आयरन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तब हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है। इसलिए आयरन और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन की कमी का प्रमुख कारण आयरन की कमी, कुपोषण और आयरन का एब्जॉर्ब ना होना ही है। अनीमिया के लक्षण हैं थकान, त्वचा का रूखापन, सांस लेने में तकलीफ और एक्सरसाइज करने की क्षमता में कमी आना। आगे चलकर ये दिमाग के सोचने की शक्ति भी कम करने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में आधी से ज्यादा महिलाएं अनीमिया की शिकार हैं। लगभग 50-80% महिलाएं खाने में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया से ग्रसित हैं। सन 2005 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 69.5% 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चों में एनीमिया पाया गया है। एनीमिया की रोकथाम के कई उपाय हैं, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B2 के सप्लीमेंट्स लेना, सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होता है, उससे आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। साथ ही साथ काजू, बादाम, अंगूर जैसे फलों के सेवन से भी एनीमिया को रोका जा सकता है। चाय, कॉफी और दूध का बहुत ज्यादा सेवन भी आयरन एब्जॉर्प्शन की गति धीमी कर देता है। यानी कि एनीमिया से बचने के लिए आयरन की मात्रा का बढ़ना और आयरन एब्जॉर्ब होने की गति बढ़ाना बहुत जरूरी है। इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से हर उम्र के व्यक्ति के लिए हर दिन आयरन लेने की मात्रा निर्धारित की गई है। ज्यादातर 40% आयरन की कमी हमारे खाने से पूरी होती है, पर बाकी के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचना चाहिए। अभी जितने सप्लीमेंट्स और आयरन टॉनिक्स मिलते हैं, वो पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाते। या तो उनके एब्जॉर्प्शन की गति धीमी होती है, या फिर उनका स्वाद मेटालिक यानी अच्छा नहीं होता, जिससे किसी किसी के पेट में तकलीफ भी बढ़ जाती है। उन्हें डायरिया या काले स्टोन्स आने की भी शिकायत हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे एनीमिया की समस्या का हल निकल सके? जी हाँ, एलिमेंट्स वेलनेस एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जो पूरी तरह से इस समस्या से छुटकारा दिलाता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही कम हैं। एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग लिक्विड और कैप्स्यूल्स। एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग में एक प्रकार का आयरन या सॉल्ट पाया जाता है, जिसे फेरोजोन कहते हैं। इसकी एक खुराक से 33% RDA की कमी पूरी हो जाती है। फेरोजोन बहुत ही तेजी से घुलने वाला सॉल्ट है, जो आयरन एब्जॉर्प्शन की गति बढ़ा देता है। पेट की तकलीफ भी ना के बराबर हो जाती है। इसका स्वाद बिल्कुल मेटालिक नहीं है और ना ही इससे कब्जियात या स्टूल काले होने की शिकायत होती है। ये एनीमिया का शीघ्रता से इलाज करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड है, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। ग्लाइसिन नामक एक अमीनो एसिड होता है, जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ये मुलेठी और बीट रूट यानी चुकंदर से बना होता है, जो अनीमिया की रोकथाम के लिए सहायक है।
कैप्सूल्स में कैल्शियम के भी तत्व मौजूद हैं। तो यदि आप एनीमिया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ताकतवर महसूस करना चाहते हैं, आप हर तरह से खुश रहना चाहते हैं, तो आजमाइए एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग लिक्विड और कैप्सूल्स। इसके अच्छे परिणाम के लिए लिक्विड और कैप्सूल्स का उपयोग निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपनाएं। एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स कोई गलती नहीं करेगा, बल्कि आपको स्वास्थ्य और मजबूती का एहसास दिलाएगा।